स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। बाढ़ और कोरोना महामारी जैसे आपदा में दूसरों को घर घर जाकर खाना पहुंचाने वाले जाप संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद भूखे हैं। मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज अपहरण के एक मामले में मंगलवार को पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मधेपुरा कोर्ट में वर्चुअल पेशी के बाद रात करीब 12:45 पर पूर्व सांसद को बीरपुर जेल लाया गया। जेल की कुव्यवस्था को लेकर पूर्व सांसद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर से यह जानकारी मिली। पप्पू यादव ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा है कि बीरपुर जेल में न तो पीने का शुद्ध पानी है न ही वॉशरूम। वह खुद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनके पाँव का ऑपरेशन भी हुआ है। उन्हें बैठने में दिक्कत होती है लेकिन शौचालय में कमोड नहीं है। रात भर उन्हें मच्छरों ने काटा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे दवा माफियाओं, शराब माफियाओं, एम्बुलेंस माफियाओं और अस्पताल माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि बीरपुर पहुंचने के बाद पप्पू यादव को लगभग 1 घंटे तक जेल के बाहर इंतजार करना पड़ा। पीछे से मधेपुरा पुलिस भी सभी जरूरी कागजात लेकर पहुंची। तब रात 11:45 पूर्व सांसद को जेल के अंदर भेज दिया गया।